आज का प्रश्न है, सड़क मार्ग में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का भारत में सड़क निर्माण और रखरखाव में क्या भूमिका है या योगदान है, स्पष्ट करें। देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का गठन 1988 में हुआ। एक एक्ट के तहत, कौन सा एक्ट है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम 1988 के तहत इसका गठन हुआ। ठीक है, देखेंगे इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है राष्ट्रीय राजमार्ग का रख रखाव करना। करना तथा उपयोगकर्ताओं के लिए उपयोगकर्ताओं के लिए आरामदेह तथा सुविधाजनक मार्ग का, राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण करना। देखेंगे कि इस योजना के तहत, इस प्राधिकरण के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग कितना है, लगभग 1,36,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग, और इसमें से 50,329 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का रख रखाव यही प्राधिकरण करती है। देखेंगे राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के कौन कौन से कार्य है, पहला कार्य राष्ट्रीय राजमार्ग का विकास करना, दूसरा प्रबंधन तथा रख रखाव करना। तीसरा देखेंगे राष्ट्रीय राजमार्गों पर शुल्क जमा करना, राष्ट्रीय राजमार्ग के उचित प्रबंधन के लिए वाहनों के संचालन को विनियमित तथा नियंत्रित करना,
नियंत्रित करना। भारत तथा विदेश में परामर्शदात्री एवं निर्माण सेवाएं प्रदान करना। राजमार्गों का विकास करना। सुविधाओं से संबंधित अनुसंधान से संबंधित अनुसंधान गतिविधियां करना। राजमार्ग, सुनिए ना, एक वहां पर रहती होगा, फोटोकॉपी होगा, रेलवे लिखा हुआ होगा ऊपर में, देखते हैं। राजमार्ग आदि से संबंधित मुद्दों पर केंद्र सरकार को सलाह देने, का अधिकार होगा। ये इसके कार्य है, उद्देश्य कार्य, ठीक है। आप देखिए, इसके लिए क्वेश्चन है, भारत में सड़क निर्माण पर और रखरखाव में क्या भूमिका है? भूमिका ही चल रहा है, चाय दी है, क्या है, चाय ला दी, हम चाय पी के एक बार पी के बाजार के चाय। जब से कोरोना हुआ ना, आया मार्केट में, मैंने फैला तो हम जड़ी बूटी वाला चाय जो है ना, एक बार सप्ताह में 2-3 बार पी लेते हैं, रखे हैं उसी समय से। बड़ी स्वादिष्ट लगता है भाई, उसको पी लेने के बाद चाय पीने को मन नहीं करता है। हाँ, कई तरह के मैंने इलायची डाल करके, हाँ क्या बोलते हैं, मसाला में जो पीसते हैं, मरीच डाल दीजिए, और कौन कौन, हाँ तुलसी, तो अब क्या क्या बना करके दिया था, दालचीनी, इतना टेस्ट बदल दिया। अरे वो चाय पी लीजिएगा तो मैंने, हम दूसरा चाय नहीं पीते हैं। हाँ बहुत बढ़िया, अब देखेंगे। देखेंगे NHAI के पास, NHAI कहाँ चला गया वो, थोड़ा सा घुमाइए तो देखिए, तो मेरे तरफ AI तो उधर दिख रहा है, AI के पास राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना,
को लागू करने का अधिकार, को लागू करने का अधिकार है। देखेंगे नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, इसको लागू करने का अधिकार है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का, यह अधिकार। देखेंगे इसको इस चरणों में, इसके क्रियान्वयन को सात चरणों में पूरा किया गया, सात चरण देखेंगे। पहला चरण, चरण वन, दिसंबर 2020 में, दिसंबर 2020 में, 2000 300 बिलियन की अनुमति से, देखेंगे इसकी लागत थी रुपया 300 बिलियन। देखेंगे सेकेंड चरण, चरण टू में इसकी लागत 343 बिलियन। चरण थ्री ए, मार्च 2005 में, ये 2003 में था, ये 2003 में था, ये मार्च 2005 में रुपया 222 बिलियन खर्च हुए। चरण थ्री बी 2005 में, 2006 में, 2006 में अप्रैल, देखेंगे इसमें 222 बिलियन इसमें था, 543 बिलियन या 543 बिलियन। और फिर देखेंगे चरण फाइव, चरण फाइव में अक्टूबर 2006 इसमें 65, इसमें देखेंगे चार थी, कितना छ लेन का, इसमें 6500 किलोमीटर रोड बनाने के लिए, 6500 किलोमीटर क्या रख रखाव की बात थी। चरण सिक्स, आई आई चरण सिक्स, चरण सिक्स देखेंगे 167 बिलियन, ये 2006 में, नवंबर 2006 में। एक सौ 67 बिलियन। और फिर देखेंगे चरण सेवन, चरण सेवन में 2007, दिसंबर 2007, ये 167 बिलियन, ये था, ये भी 167 बिलियन का ये प्रोजेक्ट काम पर। इसी को लिख देना है तो लिखिए, इसको लिखाते हैं। तब आगे बढ़ते, आगे बड़ी छूटा होगा आपका ना। हाँ 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 उस समय जो पढ़ रहा था लोग कहाँ अभिना रहा है लोग। कोरोना जो है जो किया ना जी, क्लास तो यह कि 3 महीना रगड़ के चला उस समय। हाँ हाँ बस वही कोरोना दगा दे गया ना। चलिए लिखे तो लिखाते हैं।
देखिए भारतीय राष्ट्रीय क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन लिख लीजिए, इसको बंद कर दीजिए, हम आते हैं एक चीज लेकर। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI की स्थापना भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम 1988 के तहत की गई थी। इसे राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना संबंधी कार्य सौंपा गया इनमें अन्य छोटी छोटी परियोजनाओं के साथ पचास हजार तीन सौ उन्तीस किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास, 50,329 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास हो गया, कमा रख रखाव और प्रबंधन के कार्य शामिल है उद्देश्य पॉइंट है। इसका मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्ग का रखरखाव करना, पहला हो गया। दूसरा लिखा उपयोगकर्ताओं के लिए आरामदेह तथा सुविधाजनक राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण करना। नेक्स्ट अनुबंध देने में स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धा तथा सर्वोत्तम किस्म की परियोजनाओं का क्रियान्वयन करना। नेक्स्ट राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली के रख रखाव की व्यवस्था के लिए बोली के मानदंडों
जो बोली लगाया जाता है, बोली के मानदंडों और प्रक्रिया में, और प्रक्रिया में पारदर्शिता के वास्ते, पारदर्शिता के वास्ते सभी अनुबंध देने, सभी अनुबंध देने और खरीद में उद्योग के सर्वश्रेष्ठ कार्य प्रणाली, उद्योग के सर्वश्रेष्ठ कार्य प्रणालियों का, उद्योग के सर्वश्रेष्ठ कार्य प्रणालियों का अनुपालन सुनिश्चित करना, अनुपालन सुनिश्चित करना है। लिखिए कार्य, कार्य पहला लिखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग का विकास करना, राष्ट्रीय राजमार्ग का विकास करना। दूसरा, प्रबंधन तथा रख रखाव करना, प्रबंधन तथा रख रखाव करना। नेक्स्ट, राष्ट्रीय राजमार्गों पर शुल्क जमा करना, राष्ट्रीय राजमार्गों पर शुल्क जमा करना। नेक्स्ट, उचित प्रबंधन के लिए, उचित प्रबंधन के लिए वाहनों के संचालन को, वाहनों के संचालन को विनियमित तथा नियंत्रित करना, विनियमित तथा नियंत्रित करना। नियंत्रित करना। नेक्स्ट, भारत तथा विदेश में, भारत तथा विदेश में परामर्शदात्री एवं निर्माण सेवाएं, परामर्शदात्री तथा निर्माण सेवाएं प्रदान करना, और राजमार्गों का विकास करना। आज है राजमार्गों का विकास करना, सुविधाओं से संबंधित अनुसंधान, सुविधाओं से संबंधित अनुसंधान गतिविधियां करना। नेक्स्ट, राजमार्ग आदि से, राजमार्ग आदि से संबंधित मुद्दों पर केंद्र सरकार को सलाह देने का अधिकार होगा, केंद्र सरकार को सलाह देने का। सलाह देने का अधिकार होगा, सलाह देने का अधिकार होगा। वैसे तो केंद्र सरकार को लिख के देगी ना, ये तो एक ऑथोरिटी हो गई कि ये काम करेगा, इसीलिए राष्ट्रीय, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का गठन किया, उसका रख रख, लेकिन सब कुछ लिख दिए, रख रखाव के लिए सब कुछ, एक क्या है, संस्था का गठन कर दिया गया। अब इस एक चैनल ना है, अब राष्ट्रीय राजमार्ग की आवश्यकता है तो बिहार सरकार को मान लीजिए आवश्यकता है, तो बिहार सरकार केंद्र सरकार को लिखेगी, लिखेगी
तो देखेंगे अभी जो है राज्य की रोडों की संख्या कम हो रही है, क्यों? क्योंकि एनएच में बदल रहा है, वही राज्य की सड़कें ही एनएच में। पर यहाँ से छापरा से सिवान जाते थे हम लोग, ये पटना से, तो ये क्या था, राष्ट्रीय राजमार्ग था, अति नहीं अति स्टेट हाईवे था, लेकिन अब देखिए वो एनएच हो गया, तब अब स्टेट हाईवे तो खत्म हो गया, वो तो उतना घट गया ना बिहार में, लेकिन एनएच की संख्या लंबाई बढ़ गई, यही हो रहा है। तो ये हो गया, अब लिखिए एनएचएआई के पास या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के पास, हाँ पराचित कीजिए ना, राष्ट्रीय भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एनएचएआई के पास राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना को लागू करने का अधिकार है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना, हाँ उसी में परियोजना कई चरणों में क्रियान्वित किया गया, चरण वन दिसंबर 2000, दिसंबर 2000 में, हाँ रुपया 300 बिलियन स्वीकृत की गई, रुपया 300 बिलियन स्वीकृत की, चरण टू में, चरण टू 2003 में 345 बिलियन स्वीकृत की गई, 45 बिलियन स्वीकृत की गई 2003, 345 बिलियन स्वीकृत की गई। फिर चरण तीन ए, थ्री ए, मार्च 2005 रुपया 222 बिलियन, रुपया 222 बिलियन स्वीकृत की गई। चरण थ्री बी,